अगर आप कुछ पौष्टिक खाना चाहते हैं तो आपको इडली याद आती है ना। तो आज की हमारी ब्रेकफास्ट रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है और इंस्टेंट रेसिपी है। आज बना रहे हैं ओट्स की इडली। इसकी तैयारी एक दिन पहले करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंट बन जाती है, बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही स्वादिष्ट। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम ओट्स की तैयारी। तो ये हम ओट्स ले रहे हैं एक कढ़ाई में और अब इसे हम सेकेंगे, मतलब रोस्ट करेंगे। ना हमने ऑयल डाला है, ना पानी डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। बस कढ़ाई में हमने ओट्स डाल दिए हैं, जैसे सॉटे करते हैं वैसे ही करना है। दो से तीन मिनट करना है। जैसे ये हल्के से ब्राउन हो जाते हैं, मतलब हमारे ओट्स रेडी हो चुके हैं। इन्हें उतार देना है गैस से और अब इन्हें डाल दिया है मिक्सी के बाउल में। बस इन्हें ग्राइंड करना है, इन्हें पीस देना है और बहुत अच्छा पाउडर बना देना है। और अब इडली का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में डाल रहे हैं सूजी। मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है। और इसमें डाल रहे हैं दही। देखिए, अगर आपकी दही रखी हुई भी है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेश भी डाल सकते हैं, रखी हुई भी डाल सकते हैं। बल्कि रखी हुई दही के साथ इडली ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो इन्हें कर दिया है मिक्स और अब इसमें डाल देंगे हमारा ओट्स का पाउडर जो हमने पीसा हुआ है। देखिए, अच्छी तरह से पीसा हुआ होना चाहिए। इन्हें भी कर देंगे मिक्स और अब इसमें डालेंगे पानी। तो पानी को बैचेस में डालते हुए इसे कर देना है मिक्स और एक अच्छा सा बैटर बना देना है। जैसे इडली का बैटर होता है थिक, वैसे ही बना देना है। और हाँ, पानी को आप बैचेस में ही डालिएगा। आपको थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा पानी लग सकता है, आपकी सूजी की क्वालिटी पर है और आपकी ओट्स की क्वालिटी पर भी है। तो ये हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस इसे ढक के रख देते हैं अलग से। इसे कम 10 मिनट तक रख देना है सेट होने के लिए और सूजी के फूलने के लिए। हाँ, अगर आप ज़्यादा वक्त रख सकते हैं तो आप 1 घंटे तक इसे रख सकते हैं। जितना ज़्यादा वक्त रखेंगे उतनी इडली ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। और अब 20 मिनट के बाद देख रहे हैं तो बैटर थोड़ा सा थिक हो गया है, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं। और अब डाल रहे हैं इसमें अदरक, जिसे किया हुआ है कद्दूकस, और डाल रहे हैं सोडा बाइकाप। देखिए, आप सोडा बाइकाप के बजाय इसमें इनो भी डाल सकते हैं। इन दोनों में से एक चीज़ डालनी ज़रूरी है, क्योंकि इनके सिवाय आपकी इडली फ्लफी नहीं बनेगी। और अब डाल रहे हैं इसमें नमक, उसे डालिएगा स्वाद के अनुसार। और अब बैटर को लगाएंगे तड़का। उसके लिए हमने ली हुई है तड़के वाली कढ़ाई। डाल रहे हैं ऑयल और गर्म होते ही पहले डाल रहे हैं राई और डाल रहे हैं हरी मिर्ची। इसे डालिएगा स्वाद के अनुसार, हमने बहुत ही फाइनली चॉप किया हुआ है, आप चाहें तो उसे पीस भी सकते हैं। और डाल रहे हैं कड़ी पत्ता, जिसे हमने फाइनली चॉप किया हुआ है। चॉप करने का बस यही रीज़न है कि ये बड़ी आसानी से मिक्स हो जाएगा बैटर में। और डाल रहे हैं थोड़ी सी हींग। बस इसे डाल दिया हमारे बैटर में, इसे कर दिया अच्छी तरह से मिक्स और हमारा इडली का बैटर बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। और स्टीमर में पानी डाल के इसे रख दिया है गर्म होने के लिए। और अब इडली के मोल्ड्स को हमने ग्रीस किया हुआ है ऑयल के साथ और उसके बाद डाल रहे हैं इसमें इडली का बैटर। और अब डाल दे रहे हैं इन्हें स्टीमर में। देखिए, इस इडली को कुक करने के लिए आपको मीडियम से ऊंची आंच पर इन्हें स्टीम करना चाहिए। इसकी आंच धीमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इसे धीमी आंच पर स्टीम किया तो ये बहुत ही ज़्यादा फूलेगी नहीं, फ्लफी नहीं बनेगी ज़्यादा। और अब इस इडली को हमने स्टीम करना है करीबन 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर ये बड़ी अच्छी तरह से बन जाती है। तो ये देखिए, हमारी इडली रेडी हो चुकी है, नाइफ बिल्कुल ही क्लीन निकल रही है। इसे ठंडा होने के बाद डीमोल्ड करेंगे, नहीं तो ये टूट सकती है। तो ये हमारी इडली रेडी हो चुकी है, इसे हम एंजॉय कर रहे हैं ग्रीन चटनी के साथ। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपकी ओट्स की इडली कैसी बनी। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी ऐसी बहुत सारी रेसिपीज और वीडियोस वक्त पे मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।